हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बोलूँगा आप फेसबुक का अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हो, यानी कि जो फेसबुक का पे आउट सेटअप है वो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो पे आउट सेटिंग, अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो आप यहाँ पे आउट सेटिंग कैसे कर सकते हो, जिससे आपके जो अकाउंट में है अर्निंग जो होगी फेसबुक की वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगी। जब यहाँ से पे आउट आएगा तो वो आपको डायरेक्ट उसकी मेल आ जाएगी। उसमें आपको अकाउंट IFSC कोड और स्विफ्ट कोड वगैरह जो यहाँ पे और टैक्स डिटेल्स भरनी होती है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या उसमें भरना है एंड उसको कैसे आपको फिल करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और जो आपका पे आउट है वो डायरेक्ट आपको आ जाए, हर महीने आपको आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्या करना है। देख सकते हो गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पे आउट्स का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने कोई डिटेल्स नहीं भरी होंगी तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। अगर यहाँ पे अर्निंग हुई होगी आपकी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, देख सकते हो व्यू डिटेल्स। तो अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर सेटिंग पे क्लिक करना है, पे आउट सेटिंग। देख सकते हो पे आउट सेटिंग में देख सकते हो ऊपर आपको आ जाएगा एक पे आउट मेथड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी दे रखा है, देख सकते हो लिंक्ड अर्निंग सोर्सेज, देख सकते हो फेसबुक स्टार्स वेब। तो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाने के लिए अपडेट करता हूँ, आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैन्युअली लिंक बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंपली अकाउंट होल्डर नेम, स्विफ्ट कोड डालना है और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे कंट्री चूज करनी कि आपकी कंट्री कौन से। उसके बाद आपको लिंक पेमेंट मेथड यहाँ पे कर देना है। तो लिंक पेमेंट मेथड करने के बाद आपको जो यहाँ पेमेंट मेथड है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, देख सकते हो टैक्स इन्फो, टैक्स इन्फो में जाना है। तो उसके बाद यहाँ से ऊपर एक फॉर्म आपको दिखेगा W8 फॉर सर्विस, तो इस फॉर्म पे क्लिक करना है। देख सकते हो ये मेरा ऑलरेडी मैंने वेरीफाई कर रखा है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एडिट वेरीफाई। अब इसको कैसे वेरीफाई, ये इसका यूज़ क्या है, इसमें अगर आपको टैक्स कटेगा अगर आप ये वाला जो फॉर्म है W8 फॉर्म सर्विस अगर आप फिल नहीं करोगे तो आपका जो पे आउट है उसमें आपको फेसबुक टैक्स कटेगा कुछ डॉलर। अगर आप इसको फिल कर दोगे तो उसके बाद आपका टैक्स जो है बहुत कम कटेगा, वरना आपका 30 या 24% टैक्स कट सकता है यहाँ पे। ये यहाँ पे इसके रूल्स है, यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स है। अगर यहाँ पे आप टैक्स फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको ज़रूरी टैक्स यहाँ पे कट जाएगा, इसलिए आपको फॉर्म फिल करना है W8 फॉर्म, जिससे आपका टैक्स ना कटे। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर देना है अपने ईमेल डाल के। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके सारे यहाँ पे आउट सिस्टम है इनको अपडेट कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है वो सिंपली यहाँ पे आउट आपका जो अपडेट हो जाएगा, तो इससे उसके बाद आप इजीली अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बोलता हूँ सीखना ये वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।